दीदी यहाँ पे विकास का काम किया है? आपको नहीं लग रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं विकास का काम नहीं किया है। कौन बोल रहा है? लोग यहाँ के बोलते हैं। आप बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा। ये आप बोल रहे हैं? आप वीडियो के माध्यम से? नहीं, ये आप बोल रहे हैं भाई साहब, ये आप बोल रहे हैं। दीदी ने अरे विकास का क्या काम किया उन्होंने? ये हम लोग आप देख लीजिए सामने है, सब तो आपके सामने। आपको गिनती गिनाते रहेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दो चार का नाम तो गिनाइए। क्या गिनाए आपको बताइए। जनता की आवाज आप तक इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेस्ट बंगाल के कोलकाता के कोसिया मोड़ के कस्बा विधानसभा में। और आइए यहाँ जानते हैं लोगों से कि इस बार वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। तो आइए जनता से पूछ लेते हैं। करंता मैडम, इस बार वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? ममता बनर्जी का। क्यों, बीजेपी क्यों पसंद नहीं है? नहीं, वो चोर है, वो बेकार है, वो अपना देश को नहीं संभाल सकता। वो पहले राजस्थान जाके संभाले, वो जाके दिल्ली संभाले, वो अपना नहीं अपने देश को संभाल सका तो बंगाल को क्या संभालेगा? और लोग उनको बोलिए वही जाने जहाँ उनका है, दिल्ली में जाके रहने, बंगाल नहीं संभाल सकता। बीजेपी तो कह रही है 200 से ज्यादा सीट लाएंगे। वो कुछ भी नहीं लाएगा, कुछ नहीं लाएगा, वो सब खेल है, बकवास है, वो कुछ नहीं लाएंगे। वो खरीद के लेगा मगर ऐसा कोई नहीं देगा उसको। बीजेपी वाले एमएलए के गाड़ी में जो है ईवीएम मिल रहा है, तो चोर है, तो चोर है, उसके पास सब कुछ मिलेगा। वो तो ईवीएम मिले जो मिले, सुनो सुनो बेटा, ईवीएम रहे जो भी रहे, हम लोग हम ही लोग जीत रहे, ममता बनर्जी जीत रही है। ममता बनर्जी दीदी का छोड़ के यहाँ कोई नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आ रही है और हम लोग कस्बा एरिया में जावेद अहमद खान आ रहे हैं। क्यों, कितना इस बार ममता बनर्जी कितना सीट ला पाएगी? 20+ आएगा दीदी का, इतने श्योर है 220+। बीजेपी तो कहती है 200 से ज्यादा हम लाएंगे। बीजेपी को बोलने दीजिए, कुछ फायदा नहीं है, बीजेपी को कुछ नहीं होने वाला। क्या लगता है सर, इस बार यहाँ पे किसकी सरकार आएगी? ममता बनर्जी की सरकार आएगी। क्यों, बीजेपी का यहाँ पे क्यों नहीं पसंद करते? बीजेपी सरकार अपना सेंट्रल में जो किया है, एक भी जुमला पूरा नहीं हुआ। सर, रुपया से लेके 15 लाख से लेके आपका हर काम से मोदी फेल है। मोदी यहाँ बंगाल में ढुकने मांग रहा है, इसलिए एक शेरनी है ममता बनर्जी, उसको नाकाम करने के लिए। बीजेपी तो कहती है कि ममता दीदी जो है मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऐसा कर रही है, मुसलमान को हर जात का लिए ममता बनर्जी है। आज छोड़ दी जाए तो अब इलेक्शन हो रहा है, इसका पहले से भी जो जितना जीती है पूरा बंगाल में समझ लीजिए ममता बनर्जी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। ममता बनर्जी का आगे कोई नहीं है, ममता बनर्जी अकेला है। उसको देखिए, हराने के लिए पूरा सेंट्रल से हर नेता आया है, हर नेता आया है यहाँ ममता बनर्जी को हराने के लिए। ममता को हरा नहीं पाएगा, ममता हर जात का संग में है। ये लोग जात का भेदाभेदी लगा रहा, जय सियाराम और मस्जिद मंदिर ये सब करने से कुछ नहीं होगा बीजेपी का। मोदी जी तो कहते हैं कि नंदीग्राम में दीदी हार गई है, ममता बनर्जी जीत गई है। अनाउंस कर दिया वहाँ का पब्लिक की मोदी हार गया, दीदी जीत रही है। वहाँ पे इतना सारा घोटाला हुआ, दीदी को फोन करके बुलाया गया, दीदी के सपोर्ट में कोई पुलिस नहीं है वहाँ पर, क्यों ऐसा? शुभेंदु पूरा अपना गुंडलों को लेकर आ करके वहाँ पे गुंडागिरी कर रहा है, सबको मार रहा, वोट लेने नहीं दे रहा। अरे बीजेपी आपके ममता दीदी का यहाँ पे सरकार था तो फिर पुलिस वहाँ पे क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? पुलिस आज बोले है, अरे पुलिस तो खुद बीजेपी के हाथ में बिकी हुई है भैया। शुभेंदु अधिकारी ना, सीआरपीएफ का जितना ड्रेस है सब शुभेंदु अधिकारी का आदमी पहन कर जाकर वहाँ पर डरा रहे सबको। ये इंटरव्यू में सब बोले नंदीग्राम में, क्या कहना है? क्या कहना, दीदी तो जीतेगी, दीदी हम लोग का बंगाल का शेरनी है, ठीक है, दीदी हम लोग का लिए बहुत कुछ की है। बीजेपी तो कहती है कि महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। यहाँ तो सुरक्षित है, दीदी है तो हम लोग सब महिला सुरक्षित है, हम लोग बंगाल में सुरक्षित है। 3 बजे रात को, 2:30 रात को भी हम लोग सुरक्षित निकल सकते हैं, जेवर पहनने के लिए दीदी के लिए बहुत सुरक्षित है। ये जगह में हम लोग रात को निकल नहीं पाते थे, गाड़ी से कहीं जाने आने नहीं पाते थे, बच्चों लोग का स्कूल का सुविधा नहीं था, अभी हर चीज का सुविधा दीदी और दीदी आ रही तो हम लोग आजाद रहे, हम लोग हर चीज मिले। सही बात है, दीदी रहेगी हम लोग का भी बहुत ही और भी अच्छा होगा। बीजेपी तो कहती है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमान का वोट लेने के लिए ऐसा कर रही है, मुसलमान को वो जात लेके पार्टी नहीं कर रही है, वो सबको देख रही है, हिंदू मुसलमान सब जात को देख रही है, दीदी सब जात को देख रही है, ठीक है। मोदी नहीं देखा,
क्या क्या कहना चाह रहा है इस बार दीदी आएगी यहाँ? हम लोग को दीदी को चाहिए, हम लोग को बीजेपी नहीं चाहिए। कहे नहीं चाहिए? नहीं कहे के लिए, वो आएगा हम लोग का देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। अभी भी तो देश में उन्हीं का सरकार है तो देश बर्बाद हुआ। हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं को चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं, दीदी आएगी? हाँ दीदी आएगी, दीदी हम लोग पैसा दी है, शादी कर ले लड़की का पैसा दी है, पढ़ाई का पैसा दे रही, सब चीज का पैसा दे रही, तो दीदी ना आएगी, कौन आएगा? दीदी मोदी एक नंबर का चोर है, पूरी दुनिया में आ गया बड़ो भगाने की ओर, इसको एक नंबर का चोर है। अभी बच्चे हैं आपको पढ़ने लिखने पर ध्यान, मोदी मार खा रहे यहाँ डूबे, बहुत बड़ा चोर है मोदी, मोदी से नफरत कर रहा है, क्यों ऐसा है? देश के प्रधानमंत्री पता मोदी को, देश के प्रधानमंत्री ऐसा बच्चे को ऐसा कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा, बच्चे समझ रहा है कौन गलत है कौन सही है। हम लोग यहाँ दीदी के लिए सब कुछ है, दीदी हम लोग सब कुछ कर रही है, तकलीफ दिया हम लोग को, खाना पीना हमारा लॉकडाउन में हम लोग को दीदी दिया खाने के लिए, घर घर में आके दीदी राशन पता, सब कुछ दीदी कर रही है, दीदी के लिए कोई नहीं आगा, हम लोग तो दीदी को ही देंगे, क्योंकि बीजेपी आके तो कोई हम लोग का आराम नहीं दिया ना, सब कुछ अपने फायदे के लिए करता है, नोट हम लोग का मर जाएंगे मगर दीदी को वोट देंगे, दीदी को वोट देंगे। बंगाल की महिला किसके साथ है? दीदी का साथ है, दीदी का साथ है, दीदी ममता दीदी और किसी के साथ है, जो भी मिलेगा आपको ममता दीदी के साथ, बंगला आता दीदी का चाय, दीदी का चाय, दीदी का चाय, कितना पैसा दिया दीदी? दीदी कुछ पैसा नहीं, कहाँ को पैसा देगा? बहुत कुछ ये है आज जो 10 साल बहुत कुछ करके निकल गया, पहले था लॉकडाउन, लॉकडाउन में पैसा मिला था दीदी, हम लोग मेहनत कर दिया है, हम लोग को नहीं मिला, पैसे लिया देने का गरीब लोग दीदी देखिए, झोपड़ी दीदी चल गया वहाँ पर सबको घर दिया दीदी, सबको पैसा दिया, घर दिया दीदी, दिए मोबाइल हर कुछ, स्कूल का बच्चा लोग को 10,000 रुपया दिया मोबाइल के लिए, स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया दीदी, हर चीज का रिपोर्ट किया, वो यूपी सामान नहीं बोल रहा, वो कलकत्ता क्या सामान लेगा, वो यूपी में रहने बोलिए, बंगाल नहीं आने बोलिए, बंगाल आने से मार खाएगा, बंगाल में आएगा चीर देंगे, क्या चीर देंगे, किसको चीर, किसको चीर देंगे, मोदी को चीर देंगे, ठीक है, जूता 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 लेडीज, आपके बंगाल के, आपके बंगाल के लोग तो मोदी मोदी कर रहे हैं कलकत्ता में, नहीं नहीं गलत बात है, मोदी कर रहे हैं बाहर में, बाहर में बंगाल में नहीं है दीदी, बंगाल दीदी है, मोदी तो बिहार में है, वो बिहार में रहे, अभी हाल फिलहाल रैली हुआ था मोदी का, वहाँ पे कितने आदमी कोलकाता के थे, सब आसाम के थे, जितने बसेस आए बाहर से सब आसाम बिहार के थे, सब बाहर आसाम और बिहार के नंबर प्लेट था, इंडिया के कोलकाता के कितने जन थे उनके रैली में, कोई नहीं थे, आप बंगाल में 3 बजे 4 बजे सुबह भी आइएगा आपको वैसे ही रौनक मिलेगा, ये ऐसा जगह है, दीदी के राज में बहुत खुश हम लोग, और किसी को नहीं चाहिए, आने वाला इस बार जो है वही रहेगा टीएमसी, अच्छा हमने बोलने का मतलब है टीएमसी में खराबी क्या है, तो खराबी नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्यों उसको हटाने का मतलब, बीजेपी सरकार बोल रही है कि ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया 10 साल में, कुछ नहीं कैसे किया, ममता बनर्जी व्हाइट साड़ी पहन रही है, उसको छीटा मार रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है, उसका व्हाइट साड़ी पे जलन हो रहा है, खत्म हो गया, तो आप अच्छा कपड़ा पहन रहे तो हमको जलन हो रहा था, आपको हम कादा फेंक रहे आप पर कीचड़ उठा रहे, तो ऐसा तो कोई मामला है नहीं, ममता बनर्जी खराबी क्या है, ममता बनर्जी का तो कोई खराबी दिख रहा नहीं, काम क्या किया ये बताइए, काम तो आपका लाइट का मामला देख लीजिए, रास्ता का मामला देख लीजिए, आप जो पहले सीपीएम का टाइम में हॉस्पिटल में इतनी फिनिशिंग नहीं थी, साफ सुथरा नहीं था, या रास्ता इतना साफ सुथरा नहीं था, अभी जो जिस टाइम में चाहिए हर जगह जगमगा है, कोई मसला नहीं है, काम तो कर ही रही हो, और उससे कोई नुकसान भी तो नहीं किसी को हो रहा है, और न ही उससे कोई ये हो रहा है, मतलब उससे कोई तकलीफ हो रहा है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ ऐसा कुछ नहीं, माइंड की लेडी है उसका तो कोई ज्यादा लफड़ा है नहीं, क्योंकि शादी ब्याह बाल बच्चे के लिए उसको तो दौलत की जरूरत है नहीं, जो है वो अमाउंट के पीछे खर्चे कर रही है, खत्म हो गया, कोई मसले नहीं है उसको, तो आपके ये विधायक जो प्रेजेंट किए जावेद अहमद खान इस बार आएंगे यहाँ, इंशाल्लाह जरूर आएंगे जावेद खान साहब, चूंकि जावेद खान साहब देखिए आपके सामने सैंपल है, काम ग्रीन लाइन का पानी नहीं जाम हो रहा है, रास्ता जाम हो रहा है, तो उसका काम चल रहा है, अब इंशाल्लाह वोट पे होते होते पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई मामले नहीं है। क्या लगता है इस बार यहाँ पर ममता बनर्जी कितना सीट ला पाएगी, कितना लाएगी वो, बीजेपी जो है 200+
बोल रहा है? वो तो बकरा है, एक्स्ट्रा बकरा, वो उसको बकने दीजिए। दीदी जितना लाई थी उससे ज्यादा लाई थी। प्लस कैसी हो जाए? 200 प्लस करने के लिए उसको काम दिखाना होगा। अभी इतना दिन कहाँ था वो? 200 प्लस लाता वो काश अगर वो सब कौम को, अगर सेकुलरिज्म को अच्छे से वो मान के चलते और सबको एक नजर से देखते तो इंशाल्लाह 200 का 205 पूरा ले लेते। वो अभी पूरे इंडिया में नंबर वन होते। पर यहाँ सेकुलरिज्म एक ये मुद्दा दे रहे पर कुछ नहीं हो रहा। मुसलमान के ऊपर खाली अभी NRC लाओ, ये करो, मुसलमान को भगाओ। क्यों? क्या किया मुसलमान ने? किसको बोले? क्या गुनाह किया उसके साथ? किस कौन बोले? हिंदू खतरे में? खतरे में हिंदू है अगर तो उसके पीछे का एक मिलिट्री को दीजिए। क्या आंटी यहाँ पर मोदी या दीदी? मोदी या दीदी? दीदी दीदी क्यों? मोदी या दीदी? दीदी दीदी क्यों? मोदी क्यों नहीं? मोदी ने, मोदी बहुत बदमाश है। क्या बदमाशी क्या किया? अब क्या देखिए, जब से आया है नोटबंदी कर दिया है, इसमें गैस में इतना रुपया बढ़ गया। क्या लगता है सर यहाँ पर मोदी या दीदी? खेला होवे दीदी। क्या खेला होवे? वही खेला होवे देखे लेन, दो तारीख खेला होवे देखे। मोदी क्यों नहीं पसंद है? मोदी नहीं है दीदी, रावसलपुर गया है वोट गिराना है। बोल रहे आज हम लोग सोनार बांगला करेंगे। सोनार बांगला तो हो चुका भाई, 2011 से उसका शुरुआत बन गया है। आप जाके राजाराट देखिए, माँ फ्लाई ओवर देखिए, सब तो सोनार बंगला बन गया। फिर अब क्या सोनार बंगला बनाएंगे भाई? सोनार बंगला बनाने के लिए जब खराब था तब कहाँ थे वो? सोनार बंगला बनाने आ रहे थे। दीदी ने सब तो बना दिया, दीदी ने तो सब बना दिया भाई, और क्या बनाएंगे सोनार बंगला? आप जाके रास्ता घाट देखिए, आज ये तो पूरा जितना एरिया भी कोलकाता का एरिया देखते हैं, इसका वैल्यू कुछ नहीं था। यहाँ तो सरकार ममता का बनेगा। क्यों ममता का? क्यों मोदी जी का क्यों नहीं? मोदी जी भी जब से हिंदू मुसलमान को लेकर हमेशा परेशान कर दिया सबको। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, विकास नहीं हुआ क्या? विकास कहाँ विकास होगा? हिंदू मुसलमान कर रहा है। यह बोले जावेद खान का एरिया है, मगर हाँ एक तो शौचालय नहीं है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है बातों में करने के लिए। हम लोग रस्से चलाते हैं, हम लोग उससे पूछते हैं भैया यहाँ शौचालय है, मगर शौचालय ये है नहीं। मस्जिद है, बहुत से धर्म का आदमी यहाँ मस्जिद में नहीं जा सकता है। ठीक है, हम लोग खुद मुसलमान लोग, हम लोग मस्जिद में नहीं आ सकते, इसलिए मस्जिद में जाने के लिए हर तब पाक साहब रहना होगा। पाक साहब क्यों नहीं रहते? मुसलमान है तो पाक साहब में ऐसे, इसलिए हम लोग को इमरजेंसी कभी लग जाता है कर देते हैं। तो मुसलमान को पानी से सिंजल लेना पड़ता है हम लोग को, मगर हम लोग ले ले पाते हैं। क्या लगता है अंकल कौन आएगा इधर? TMC आएगा। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी क्या कर रहा है? बीजेपी कर रहा है लॉकडाउन। खाली बीजेपी आया जब से लॉकडाउन हम लोग मार खाने पड़ रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। दीदी क्यों? दीदी क्यों? मोदी क्यों नहीं? हम तो वेदर जान रहे भैया, आप भी जान, आप लोग यहाँ के रहने वाले, आप भी तो रहने वाले यहीं के है ना? मैं यहाँ का नहीं रहने वाला। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बाहर से आया हूँ यहाँ पे। अरे कहाँ से आए बताइए? बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं? तो बिहार से आए तो इतना तो अंदाजा है बंगाल का वोट का कि नहीं है? क्या दीदी यहाँ पे विकास का काम किया है? आपको नहीं लग रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं विकास का काम नहीं किया है। कौन बोल रहा है? लोग यहाँ के बोलते हैं। आप बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा, ये आप बोल रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से? नहीं, ये आप बोल रहे हैं भाई साहब, ये आप बोल रहे हैं। दीदी ने अरे विकास का क्या काम किया उन्होंने? ये हमको आप देख लीजिए सामने है, सब तो आपके सामने, आपको गिनती गिराते रहेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दो चार का नाम तो गिनाइए। क्या गिनाए आपको बताइए, किस टाइप का गिनती गिनाए? जैसे आप विकास का क्या चाहते हैं वही सुनाएंगे आपको, वही पर्टिकुलर बात बोलेंगे। नहीं आप बताइए ना हमको। नहीं आप तो पूछ रहे हैं कि आप जो पर्टिकुलर सुनना चाहते हैं वही बोले, बोलिए आप जो बोलिए। आप देख लीजिए 10 साल में क्या विकास हुआ आपको खुद बताए। जब भी कह रहे हैं कि 10 साल में ममता बनर्जी ने कुछ भी विकास नहीं, तो क्या विकास हुआ आप बताइए? बीजेपी तो बीजेपी अपना यूपी में देख ले क्या विकास किया है, बीजेपी अपना गुजरात में देख ले क्या विकास किया है, गुजरात में क्या किया आप बताइए ना। छोड़िए 10 साल, आप यूपी छोड़ दीजिए, यूपी तो बाद में, गुजरात में बता दीजिए आप हमको, आदमी को मारने के सिवा क्या किया है आपको बताइए। तो कहते हैं कि वहाँ बहुत सारे कल कारखाने खोले हैं, अभी कारखाने खोले हैं, आदमी को मारा वहाँ जो ट्रेन में, अपना खुद आदमी को 59 आदमी को ट्रेन में मार दिया। आपको पता है? पहले आप खुद हिस्ट्री उठा के देख लीजिए उसके बाद बात करिए। अपने आदमी को मार करके बढ़ रहा है वो गुजरात में, उसके बाद आप वहां का देखिए 44 जवान को जो मार दिया उसने,
कहाँ है आप? तो देश के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं अभी इतना सीट लाके सर? आप बोल रहे हैं मेरे भाई, ये बात आप बोल रहे हैं। अगर पसंद नहीं कर रहे हैं लोग तो फिर वो सरकार में बार बार कैसे बन जा? वो तो आपको पता है कैसे बन जा रहे हैं। तो हम जनता ने उनको दिख रहा है, ईवीएम नहीं दिख रहा आपको? जनता ने नहीं, एक मिनट जनता की ईवीएम चुना उनको, ईवीएम चुना रहा है उनको। करा ले जरा टप्पा मार के वोटिंग करा ले, है ताकत उनके पास है? बोलिए ईवीएम छोड़ के मशीन। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आके तो योगी आके क्या कर लेंगे? यहाँ पे तो सारे लोगों को क्या कर लेंगे यहाँ सारे लोगों से आके? वो तो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो पहले बीजेपी से नफरत था, अब उनको जय श्री राम से नफरत है। हाँ ये तो उनको नफरत है, ये तो आके यहाँ बांट दिए। वो कभी था? आपने सुना था? सुने थे इतना साल में जय सिया राम का नारा कहीं सुने थे? कहीं अल्लाह अकबर कहीं सुने थे आप? क्या प्रॉब्लम अगर लगाते हैं वो हिंदू? अरे आप बताइए ना, आप इंसान का रहेगा, चाहे राम हो या रहीम, इंसान का दिल में होना चाहिए ना कि उसको स्टेट में ला देंगे। आप खुद बीजेपी वाले तो मजमा रहे। आज से पहले बॉर्डर पे क्या होता था कांग्रेस के टाइम में? क्या मीडिया में आता था? कहीं भी कुछ होता था मीडिया में आता था, अंदर रहता था? अभी तो सब हाईलाइट है, सब दिख रहा है सबको। आम आदमी बीजेपी एक चीज जानता, आम आदमी उसको धोखा दे सकता है, उसको वोट नहीं देगा, लेकिन मशीन उसको कभी धोखा नहीं देगा। ईवीएम मशीन जो है ना वो कभी धोखा नहीं देगा, वो उसका वफादार है, वो जब चाहेगा रहेगा। अभी यहाँ अगर ऐसा हो गया फिर क्या करेंगे हम? क्या करेंगे कुछ, बस सब उसे हाथ में हाथ डाले दिखते रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा। क्या लगता है सर ईवीएम पे आपको क्यों भरोसा नहीं? ईवीएम पे भरोसा नहीं है भाई, लोग अपना अभी जो आप देखे फाइनल ईवीएम मशीन कभी धोखा नहीं देगा उसको, वो जानता है ये हमारा वफादार है, इसी से हमारा हुकूमत चल रहा है। बस मोटा बात आपको, बीजेपी कहती है जहाँ पे दूसरा पार्टी सरकार बना लेता है, जैसे मान ले कहीं पे कांग्रेस जीत जाता है, कोई और पार्टी जीत जाता है, तो वहाँ पे ईवीएम धोखा नहीं दिया? नहीं, वो तो थोड़ा दिखाने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। अरे भाई जरा से नहीं छिड़ेगा तो फिर आवाम समझेगा कैसा करते हैं? असम में देखे 90 वोट आए, 190 वोट पड़ गया, कहाँ से आ गया बताइए? अब हम डाल रहे हैं अभी यहाँ मिदनीपुर में डाल रहे हैं, टीएमसी में जा रहा है, बीजेपी में ऐसे होता है। जहाँ का आजाद ये ईवीएम जहाँ का है वहाँ तो ईवीएम से होता ही नहीं है, बैलेट पेपर चलता है। ये इंडिया में ईवीएम चल रहा है बताइए? पेपर पर कराने बोलिए ना, सब मालूम हो जाएगा जो आवाम में कितना चाहता है और हम कितना दीदार हुकूमत कर सके। क्या लगता है सर ईवीएम में क्यों भरोसा नहीं चल रहा? नहीं भरोसा नहीं, क्यों भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं, वो चोरी चमारी कर रहा और क्या, कहाँ से होगा? अच्छा अच्छा, सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।